Hello, welcome to Talented Developer. For latest update and notification, please subscribe our YouTube channel. Hi guys, so पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये टाइप का स्टार पैटर्न अचीव कर चुके हैं. So इस वीडियो में हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार पैटर्न अचीव करने. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट अपोजिट साइड में जाएंगे. पिछले वीडियो में क्या हुआ था, हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न किया था. यहाँ पे हम लोग 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट में जा रहे हैं. ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी 4 स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि ये स्टेप क्या है, एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है. अगर स्टेप बाई स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे स्किल आपको डेवलप हो जाएंगे. सो पहले स्टेप हम लोग फिर से अचीव करेंगे, उसके बाद फुल ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे. वहाँ के बाद हम लोग अपने जो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे. सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया है ताकि हम लोग इजीली स्प्लिट आउट कर सके. और जैसे स्प्लिट आउट कर लेंगे उसके बाद हम लोग इजीली अपना स्टार पैटर्न अचीव कर लेंगे. सो हम लोग चलते हैं कोडिंग सेक्शन में. सो हमें अब कुछ जरूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं. राइट, जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिर से देखेंगे, उसको सेव करते हैं और जैसे हम लोग रन करेंगे देख सकते हैं कि हमारा स्टार पैटर्न आ चुका है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का. सो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया. नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग फिर से एक और फॉर लूप चाहिए. सो हम लोग चलते हैं, फॉर लूप लिखते हैं इंट के इक्वल टू 5. ओके, देन के स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, सो उसके बाद हम लोग के का वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसको कट आउट करेंगे और नीचे जाके पेस्ट करते हैं. और पेस्ट करने के बाद अगर हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट भी अचीव कर चुके हैं. सो सेकेंड पार्ट अचीव हो चुका है हमारा. सो डिबग मोड में आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल हम लोग कर क्या रहे हैं फिर से. सो देखिए डिबग मोड और डिबग कैसे करते हैं, हमारे आप कुछ वीडियोस सीरीज में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल में भी आप देख सकते हैं जाके. सो आप देखिए यहाँ पे, सो कंसोल में अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ. यहाँ पे के का वैल्यू 5 तक जाएगा. राइट, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है. सो आप देखिए एक्चुअल में प्रिंट क्या हो रहा है. सो आराम से देखते रहिए. यहाँ पे देखिए डिक्रीमेंट कर, एक हुआ प्रिंट. अब यहाँ के का साइज क्या है, 4 है, देन 3, देन 2. ओके, सो कब तक जाएगा, जब तक ये 0 से ग्रेटर देन होगा. सो यहाँ पे आप देखिए कि आउट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या है, 5 है. सो 5 पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद ये नीचे गया और इसके बाद हम लोग अगले लाइन में आएंगे. सो देखिए एक यहाँ पे फिर से प्रिंट हो रहा है, फिर से प्रिंट, फिर से प्रिंट. सो इसके बाद आप देखिए के का वैल्यू यहाँ पे 5 है. राइट, सो ऐसे हो गया प्रिंट. सो इसको मैं स्किप करता हूँ और डायरेक्टली रन करता हूँ. सो हमें ये पैटर्न अचीव हो चुका है. सो अब मैं थोड़ी सी बदलाव कर रहा हूँ प्रोग्राम में. यहाँ पे की की जगह मैं आई का साइज दे दिया और सेव कर रहा हूँ और जस्ट मैं रन कर रहा हूँ. सो जैसे मैं रन कर रहा हूँ आप देख सकते हैं हमारा हाफ ऑफ द पार्ट नीचे का अचीव हो चुका है. सो आप ध्यान देंगे तो हम लोगों ने नीचे का पार्ट ये अचीव कर चुके हैं. अब हमें इसको ड्रॉ करना है और उसके बाद कटआउट कर लेंगे. ड्रॉ करने का मतलब क्या है, हमें एक और फॉर लूप रन करना पड़ेगा. सो वो भी स्टार्ट करते हैं. हम चलते हैं, एक और फॉर लूप लिखते हैं यहाँ पे इंट जे, क्योंकि हमें अब साइज अगर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे, ये देखिए 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स पहले 5, 4, 3, 2, 1. सो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 5 से स्टार्ट कर रहे हैं. राइट, सो मैं यहाँ पे जाके इसको स्टार्ट करता हूँ 1 से. राइट, और इसको मैं 6 तो इसको मैं यहाँ पे आई दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं जे का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ. सो मैं इसको कट किया, नीचे पेस्ट किया और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ डिफरेंट स्टेप में. सो जैसे आप सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर मिल चुका है. मतलब कि नीचे वाला भी ड्रॉ हो चुका है और ऊपर वाला भी ड्रॉ हो चुका है. हमें बस ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, मतलब कि हमें नीचे वाले को स्किप करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके बस उसको स्पेस से रिप्लेस कर दूँगा. सो आप जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे आप देख सकते हैं हमारा ये पे
स्टार पैटर्न अचीव हो चुका है। सो एक बार डिबग मोड में देखिए एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं। सो जैसे डिबग मोड में आप रन करेंगे सो आप देख सकते हैं ये 5 टाइम्स ड्रॉ हुआ राइट। उसके बाद देखिए फिर से F8 देखते रहिए नीचे, फिर 3 राइट, फिर 2 टाइम्स। सो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा अचीव होते जाएगा। जब यहाँ पे है तो उसका मतलब क्या है, देखिए आई का साइज क्या है यहाँ पे 2 है राइट। अब उसके बाद क्या होगा, आई का साइज यहाँ पे 1 आ चुका है। और ये कंडीशन जैसे जैसे कंडीशन होगा, देखिए यहाँ 1 मीन्स यहाँ 4 टाइम्स स्पेस ड्रॉ करेगा क्योंकि ये 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा देखिए 1 राइट। उसके बाद ये देखिए ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 मीन्स लाइक ये जस्ट एक ही बार ये प्रिंट कर रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट ही अचीव हो चुका है। सो अगले वीडियो में हम चलते हैं और देखते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू गाइस।